देशव्यापी लॉकडाउन का सफलतापूर्वक पालन किया जा रहा है, जिसके चलते करनाल के सेक्टर 6 हाईवे चौक, निर्मल कुटिया, नमस्ते चौक, मेरठ रोड चौक पर आने जाने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और बिना पूछताछ के एवं जिला उपायुक्त द्वारा जारी किए गए पास के बिना किसी को भी शहर में घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हमारी टीम द्वारा आज विभिन्न स्थानों का दौरा किया गया, जिसमें पाया गया कि पुलिस वाले बखूबी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं करनाल शहर दानवीर नगरी में कोरोना सिपाहियों को खाने पीने की वस्तुएं मुहैया करवाने के लिए भी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अलावा शहर के लोग भी आगे आ रहे हैं। आपको बता दें कि सेक्टर 6 के लोगों ने हाईवे पर ड्यूटी कर रहे सफाई कर्मचारियों एवं पुलिस वालों को नाश्ते का प्रबंध करवाकर एक सराहनीय कार्य किया है। सेक्टर 6 निवासियों ने बताया कि जो लोग देश की सेवा में अपना सहयोग दे रहे हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम करने का भी आम नागरिक का फर्ज बनता है और साथ ही लोगों से अपील भी की कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर इस महामारी से बचने के लिए हर पुलिसकर्मी का सहयोग दे एवं उनके साथ बहस ना करें। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं निर्मल, कुटिया चौक से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बिल्कुल न के बराबर है। पुलिस सख्ती से अपने कर्तव्य का दायित्व निभा रही है और लोगों को जागरूक कर रही है कि इस महामारी के वक्त वह पुलिस प्रशासन का सहयोग दें और अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। प्रत्येक गाड़ी को चेक करके भेजा जा रहा है, जिनके पास जाने के लिए पास बने हुए हैं उनको जरूरत की चीजें मुहैया करवाने के लिए कार्य पर जाने के लिए इजाजत दी जा रही है और अन्य लोगों को कड़ाई से घरों में रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें निर्मल कुटिया चौक से आप देख रहे हैं। पुलिस के कोरोना सैनिक बड़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप लोग हम दुआई दुआने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, क्या बात है? कहाँ से आए हैं? यही 32 सेक्टर से आए। क्या नाम आपका? मोतिया में जी। हाँ, कौन सी संस्था से? मैं घर से ही आया, चाय बना के 529 सेक्टर 6 से आया हूँ मैं। 529 सेक्टर 6 से। अच्छा, तो हमारा मकसद है भी ये जवान भाइयों की सेवा करना है। ये बेचारे दिन रात 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमारा भी कोई फर्ज बनता है कि इनके प्रति हम भी इनकी सेवा करें। ये देश की सेवा कर रहे हैं, हम भी इनकी सेवा करें। और लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? हम कहेंगे घर से बाहर मत निकलो, अपने कोरोना को भगाना है, देश को बचाना है। जिस हिसाब के आदेश अनुसार जो अपने पास के लिए एंट्री कर रहे हैं ऐसे, और या डॉक्टर है या कोई बैंक कर्मचारी है, केवल डीसी साहब के आदेशों के अनुसार ही अंदर अलाउड किया जा रहा है जी। और जिन वाहनों के पास कोई दस्तावेज नहीं, कोई उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? सर, उनको या तो वापिस घर जाने के लिए आदेश दिए जाते हैं, अगर कोई नहीं मानता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चलान वगैरह जो भी बिल्कुल चलान वगैरह किया जाता है सर, और गाड़ी इंपाउंड भी की जाती है जी। इसलिए जनता से हमारी यही अपील है कि घर पर ही रहे, कृपया घर पर ही रहे तक, और प्रशासन का सहयोग करें। नाम आपको? नाम रामपाल। तो किस तरह की वो चल रहा है लॉकडाउन में, किस तरह के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कुछ बातें बताइए। लोग आ रहे हैं जरूरी काम के लिए आ रहे हैं, उनको जान दे रहे हैं, जैसे गैस है, खाने पीने का सामान है, जो कुछ लोग वैसे हैं हमारा जिनको काम ही नहीं है, ऐसे भी काफ़ी लोग हैं। हम तो उनसे यही निवेदन करें भाई अंदर रहें और देश को बचाए कोरोना से, सहयोग करें सबका प्रशासन का। जैसे बाइक पे कितने बंदे अलाउड है, गाड़ी में कितने बंदे अलाउड है? देखो, अलाउड तो एक ही है अगर सही देखा गया तो, जब एक मीटर का दायरा था गाड़ी, एक मीटर लंबी तो होती है वो देखो आप। लेकिन गाड़ी में ये हो कि एक परिवार के मेंबर उनको ये पता हो हम यहाँ से आए हैं, जो सरोजनी से है ना, जो सवारी सब्जी है, सब ने बिठा लिया, मोटरसाइकिल में आपको बिठा लिया, मैंने बिठा लिया, इसके लिए करोना पिछड़े वाले गए, उसका तो डिस्टेंस कितना रह गया, थोड़ा रह गया, तो दूसरे सोचना चाहिए। यानी कि जो सरोजनी के ज़्यादा कितना है गाड़ी में, जो अपनी पर्सनल गाड़ी में कितना। और जनता से क्या अपील करना चाहिए?
अपील करेंगे जो प्रधानमंत्री अपील कर रहे हमारे अफसर साहब हम अपील कर रहे भाई कोरोना आ रहा है देश में आजकल महामारी का जो वो है और आप तैयार है देश पे इस मुद्दे पे अपना प्रशासन का सहयोग करें पब्लिक। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.